विश्वनाथन आनंद क्यों बन रही है? जल्दी चलना है, एक चाल में कितना टाइम लगाएगी भाई तू? चेक। ओ भाई कैसे हो गई चेक? घोड़े की ढाई चाल होती है, यहाँ नहीं आ सकता घोड़ा। चेक। मुझे भी चेस के रूल्स पता है, ठीक है? आती है मुझे चेस खेलने और बहुत अच्छी खेलती हूँ। मैंने उस दिन राहुल के साथ खेली भी और उसको हराया भी है। तीन चाली मैंने उस दिन चली थी घोड़े की और आज भी मैं तीन चाली चलूंगी। अबे ओ घोड़े की ना ढाई चाल होती है। माना तुझे पीरियड्स हैं, तू फ्रस्ट्रेटेड है, तुझे बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं और तुझे बहुत पेन हो रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि चेस के इंटरनेशनल रूल्स ही बदल जाएंगे तेरे लिए। मैं राहुल नहीं हूँ, मेरे साथ खेलना है तो तरीके से खेल, नहीं तो अंदर जाके बैठ जा। ओहो अच्छा 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 सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ना तेरे लिए गर्मा गर्म सूप लेके आती हूँ और हॉट बैग, तुझे बेटर फील होगा। रुक जा, पहले मेरे पैरों पे बैठ जा, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तीन थाइस पे बेटर है? हाँ बहुत बेटर है। छी मेरी अच्छाई का तूने मुझे ये सिला दिया। सॉरी यार, फर्स्ट डे है ना तो थोड़ी गैस हो जाती है। वार्निंग तो दे देती फाट मारने से पहले, मैं इमरजेंसी एग्जिट तो ले लेती। तेरे लिए सूप लेके आती हूँ मैं। हाँ लेकिन पेन किलर लेकर ही आई हो, क्योंकि अब मुझसे ना पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब तो मैं मरने ही वाली हूँ। ओके मैडम, आज पूरा दिन मैं तेरी सेवा करूंगी। जल्दी आई हो। सॉरी यार, बुरा मत मानियो, पर अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे ये बहाना लगाना ही पड़ेगा कि तू मर गई है। क्या? मुझे शक तो पहले से ही था, तेरी नज़र मम्मी पापा की पूरी जायदाद पे है, आज यकीन भी हो गया। वैसे मैं जान सकती हूँ ऐसा कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से मुझे मारा जा रहा है? मुझे आज समीर के साथ डेट पर जाना है और मेरे पीरियड्स आ गए हैं। हाँ तो क्या हो गया? मूवी डेट है यार, तीन घंटे कैसे बैठूंगी? तुझे पता है मुझे कितना हैवी फ्लो होता है, बार बार पैड बदलने वॉशरूम तो जाऊंगी नहीं, और स्टेन लग गया मेरी वाइट ड्रेस पे। फिर तो किसी और दिन चले जाओ। नहीं जा सकते, 15 दिन पहले हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था, अब लास्ट मिनट मना किया ना उसको लगेगा झूठ बोल रही है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो अपनी ड्रेस चेंज कर ले। बिल्कुल भी नहीं, फर्स्ट डेट का इंप्रेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली DLF जाकर लेके आई हूँ मैं ये ड्रेस। समझ गई, अब मैं तुझे ऐसा सोल्यूशन दूंगी जिससे तू अपनी डेट पे भी जाएगी और उसको एंजॉय भी करेगी। क्या? चल ये देख, विस्पर चॉइस अल्ट्रा, ये अप टू 100% स्टेन प्रोटेक्शन देता है और इसके पैड्स एक्सेल साइज में। क्या मतलब? मैं अपनी वाइट ड्रेस पहन सकती हूँ? वाओ एग्जैक्टली, एंड आई एम नॉट फिनिश्ड येट, इसके अंदर जो जेल है वो वेटनेस को लॉक कर लेता है। सीरियसली यार, तुझे तो पता ही है पीरियड्स में कितना गीला गीला हो जाता है, कंफर्टेबली टिक के नहीं बैठ सकते। तूने तो मेरी लाइफ हेवन कर दी है यार। ये ले। ये तो बहुत थिन है, तू बहुत कंफर्टेबल होगा। बहुत ज्यादा। समीर को कॉल करके बुला लेती हूँ, अब तो मैं उसके KTM पे उड़ते हुए जाऊंगी। वैसे तुझे पता है तू ना बेस्ट सिस्टर है यार। पता है मुझे, चल जा। बाय बाय। ये क्या है यार, बड़ी सही चीज है। तो ये ना जेड रोलर है, इसमें इससे स्किन टाइट वाइट हो जाती है। आजकल तो मेरा डेली जिम चल रहा है। ओए तेरे घर के मिरर में पतली लग रही हूँ यार। है ना, तभी तेरे घर वाले मिरर में मैं अलग ही मोटी दिख रही होती हूँ। अच्छा मेरे घर पे नाइट स्टे रखा है। नेक्स्ट संडे तू मेरे घर पे आ रही है, समझी? ओ यार ये कितने शाइनी शाइनी है ना, इसमें वो स्ट्रिप्स की जरूरत नहीं होती। सही है यार, थोड़ा सा मुझे भी ट्राई करा देना। कहाँ लगाना है? कहीं भी लगा दे, बस ट्राई करना है। यहाँ लगा दे, यहाँ पे बाल भी। अच्छा तो फिर इधर आ, न्यूज़पेपर वाले एरिया में, अगर इधर उधर लग गया ना मेरी मम्मी मेरी जान ले लेगी। गर्म तो नहीं होगा ना? वो तो होगा ही। जला मत दियो, फूक तो मार, वो पार्लर वाली दीदियों की तरह। यार बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। ओ, ये तो चिपक गया। अरे पागल, सूखने तो देती इसको, हटा इसको। रुक जा, 1 2 खींचना। ओ कुछ भी नहीं हुआ यार, एक हेयर रह गया। अरे सुन, मैं तेरे ना वॉशरूम यूज कर रही हूँ। मे आई गो टू वॉशरूम मैम, ऐसे पूछ लेती ना। स्कूल में पूछते थे ना बच्चे ऐसे।
स्पेशल। यार पीरियड्स कैसे आ गए, मैं तो पैड भी नहीं लाई अपने साथ। कैसे मांगू निहारिका से पैड, मैं तो शर्म से मर जाऊंगी। यहीं कुछ ढूंढती हूँ। कितना सेक्सी बॉडी वॉश है, कल इसके घर से ही ना के जाऊंगी। किसी और के वॉशरूम के प्रोडक्ट्स कितने अच्छे लगते हैं ना। तभी राधिका की स्किन इतनी अच्छी लगती है। फोकस निहारिका फोकस। ओह हाँ, बहुत सारा टॉयलेट पेपर रोल करके लगा लेती हूँ। नहीं यार पूरी रात कैसे सर्वाइव करूँगी इसमें, इतना टाइम लगा रही हूँ उसको पक्का लगेगा। मैं पॉटी कर रही हूँ। लगता है पॉटी कर रही है। सही है यार, मैं तो कभी किसी और के घर पे नहीं कर सकती। राधिका कुछ चाहिए तो नहीं तुझे? नहीं नहीं निहारिका। ओके निहारिका, तेरे पास पैड है क्या? हाँ पैड है क्या? पीरियड्स आ गए मेरे। बोल नहीं सकती थी, इतना टाइम वेस्ट कर दिया है। लड़कियां ही तो हैं हम दोनों। मुझे बहुत शर्म आती है यार, तुझे ना वैसे न्यूज़पेपर में रोल करके देना चाहिए था। चुप रह, कुछ भी बोलती है। चल फ्रेंड्स देखें अब। नहीं यार लूसीफर देखते हैं, मुझे बड़ा पसंद है वो। अच्छा चल ठीक है, लेकिन फर्स्ट सीजन से देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने तो नहीं देखा। क्या फिर तो तू ज़रूर देख। 5 6 7। अबे यार ये छोले भटूरों की खुशबू कहाँ से आ गई वर्कआउट करते हुए? कोई नहीं यार खा लेती हूँ, वर्कआउट तो कर ही रही हूँ, बैलेंस हो जाएगा। पहले वेट चेक कर लेती हूँ फिर सीताराम के छोले भटूरे खाने जाऊँगी। 45 ही तो है। इस टाइम बारिश कहाँ से स्टार्ट हो गई? बारिश तो कहीं और भी स्टार्ट हो गई है। पीरियड्स कहाँ तक पहुँचे? नहीं 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 गेट नंबर 8 पर नहीं, वहाँ पे बहुत सारे गार्ड बैठते हैं, बहुत सवाल पूछेंगे। गेट नंबर 7 से आना, वहाँ कोई नहीं होता। नहीं 15 नंबर कोठी पर नहीं, बहुत कुत्ते होते हैं काट लेंगे। हाँ टी पॉइंट वाला, टी पॉइंट वाला, जल्दी आओ अब मुझसे वेट नहीं हो रहा। ओके ओके ओके। मैम आपका ऑर्डर। भैया धीरे, मेरी बहन उठ गई तो आपको बोला था ना बेल मत बजाना। तो ऑर्डर। थैंक यू। चाउमीन खाऊंगी बैठकर। कॉल आया। कुछ नहीं तू जा सो जा। तूने बाहर से खाना ऑर्डर किया है? भाई तो सुबह से 10 बार ही ऑर्डर कर चुकी है, मोटी हो जाएगी। अब तक तो डिलीवरी वालों को भी हमारे घर का एड्रेस मिल चुका होगा। 45 ही है मेरा वेट। ठीक है चेक कर लेते हैं, आ जा। हाँ तो ठीक है फिर चेक कर लेते हैं। क्या 6 किलो कैसे बढ़ सकता है मेरा? और खाओ बाहर का। तुझे पता तो है यार मुझे पीरियड्स में क्रेविंग होती है, और जब फिर मैं कुछ खा लेती हूँ ना मेरे हॉर्मोन्स रिलैक्स हो जाते हैं। मुझे क्या पता था मेरा वेट इतना बढ़ जाएगा। कल से वर्कआउट स्टार्ट करूंगी। एक काम करते हैं ना, तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी कर देती हूँ। कि मैं खा लेती हूँ। ओ हेलो, कल से होगी मेरी डाइटिंग स्टार्ट, आज से नहीं, हम दोनों खाएंगे। थैंक यू यार, मुझे इस चाउमीन में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चल 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 जल्दी खाए। मम्मी आज मैं ट्यूशन नहीं जा रही। क्यों क्यों नहीं जा रही ट्यूशन? दिन भर तुम्हारा बाप मेहनत करता है कि तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, तुम्हें की छुट्टियां करनी है, हम तुम्हारी ट्यूशन की फीसें भरते रहते हैं। आपको कुछ पता भी है, मेरी बॉडी से ना ब्लड निकल रहा है। क्या क्या करूं क्या करूं क्या करूं? इसीलिए मैं मना करती थी, दिन भर ये फोन टीवी में घुसी रहेगी, मिर्च मसाले खिला दो बस आग तो निकलेगी बॉडी से। तेरी सुम्मू मौसी से बात करती हूँ। क्या हो गया मुझे? कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई? मैं मरने तो नहीं वाली? कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? फोन यूज करने से ये सब हो जाता है क्या? अच्छा तूने तो शांति कर दिया मुझे बहन। चल बेटा
मेरी ना तेरी कनाडा वाली मौसी से बात हुई है, ये नॉर्मल है, हर लड़की को होता है। तेरी मौसी तो बता रही थी वहाँ के पेरेंट्स लड़कियों के पहले पीरियड पे पार्टी रखते हैं, तो हम कौन से कम है, हमसे अच्छा माँ बाप तो कोई है ही नहीं, हम भी रख देंगे तेरे लिए पाठ। नत्थु हलवाई को बिठा दूंगी, तेरी फेवरेट मटर पनीर और पूरी बनवा दूंगी। बड़ी हो गई मेरी बेटी। अच्छा मैं बड़ी हो गई, तो फिर तो आपसे सारे डिसीजंस मैं खुद ही लूंगी। ये जो आप रोज रोज भिंडी बना के रख देते हो ये नहीं चलेगा, वैरायटी चाहिए मुझे। एक काम करो, आज ना आप पाव भाजी बना लेना डिनर में, और मैंने तो अपने आप को परमिशन दे दिया है, मैं आज ट्यूशन नहीं जाऊंगी। ट्यूशन से सीधा घर आई हो, कहीं मोमोज कचरा पट्टी खाने चली जाए, करेले बना रही हूँ तेरे लिए। इससे अच्छा तो भिंडी ही थी। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फेवरेट पार्ट ज़रूर बताना। ऑल्सो गाइज, वी नो आप सभी ने इससे बहुत रिलेट किया होगा। एंड ऑल्सो विस्पर चॉइस अल्ट्रा हम लोग बहुत बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, एंड ये लिटरली हमारा पीरियड्स में सेवियर है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंशन कर रहे हैं, आप लोग भी चेकआउट करो इस प्रोडक्ट को, क्योंकि हमारा फेवरेट है। ऑल्सो गाइज, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना। लव यू, बाय बाय। मैंने उस दिन भी तीन चाल चली थी घोड़े की, और मैं आज भी तीन चाल ही चलूंगी। आसमान, मुझे भी चेस के रूल्स पता है, घोड़े की तीन चाल होती है। मैं हंस नहीं रही थी। मुझे आज समीर के साथ डेट पे जाना है और मेरे पीरियड्स आ गए हैं। हाँ तो क्या हो गया? Okay, let's go.